आती हैं और नदियां जब ढलान की तरफ आती हैं तेजी से, तो वहां से मिट्टी ढेर सारा सब लेके आती है ना। नहीं नहीं ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा जो देखो यहाँ से, ये सब यहाँ से पानी कट के आया होगा, और पानी कट के जो आता है ये अपने साथ इसने ऊपर से मिट्टी भी लाया है, वहां से मिट्टी काट के लाया था, और ये सब काट के मिट्टी ला के यहाँ जरा देखो इन्होंने इसने समतल बना दिया है पूरा। ऐसा ही वहां पे जरा देखोगे तो वहां से भी पानी कट कट के, मिट्टी कट कट के वो समतली क्षेत्र बना है। तो हमारी ज्योग्राफी जो है ना, अगर देखो तो सराउंडिंग में है, भूसा ढक देते हैं ना, आंधी में भूसा ढक देते तो नहीं कहते हैं और एक ढक दे बरयारी अरियारी डाल दे, नहीं तो उड़ गई है। ऐसे ही मिट्टी का भी रूल है, मिट्टी भी उड़ के दूसरे स्थान पे जाती है। टीला ऐसा करके गए थे रात में और सुबह देखा तो चपटा मिल रहा है, उड़ गई सब मिट्टी। तो बनाए गए थे पर्वत और बनो पठार। तो ये जो है यहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी के रूप में तालाब में दिखता है। टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी का मतलब क्या है, मतलब किन किन बातों पर आवर्तकाल निर्भर करता है, तो टी और का सीधा सीधा संबंध है, एल ज्यादा टी ज्यादा, एल कम टी कम। देखना अभी क्या होता है, वो रुका था ना, वो रुका था, अब जरा देखो वो क्या होने जा रहा है, वो ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, ऑसिलेट मैंने इसको कराया था, अब वो ऑसिलेट करना शुरू कर दिया साथ में, अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये रुक जाएगा, ये रुक गया, ये रुक गया, अब वो ऑसिलेट कर रहा है। सूरज के बीच में तीन धब्बे हैं और उनके बीच में कुछ छिछला हुआ है, एक नीचे है और एक ऊपर है, तीन धब्बों के बीच में। अभी दूसरा चंद्रमा निकला, अब तीसरा आ रहा पीछे से, तीसरा आ गया, हाँ देखना चौथा, तो चौथे के साथ में उसका जुपिटर आ रहा है। चलो रे ट्रेलिंग करेंगे क्योंकि बहुत बारीकियां बताएं। विमान केंद्र अभी कहां से गुजर रहा है, मेरे दोनों पैरों के बीच से। अब मेरा आधार किधर हो जाएगा, एक पैर अकेला हो जाएगा, आधार है इस तरफ, द्रव्यमान केंद्र आधार से बाहर, तो गिलास पूरा के ऊपर है लेकिन पानी वहां में जा ही नहीं रहे। अब कमाल की बात, अगर अगर ये सिखाया जाता नहीं नहीं पानी ऐसे आप कर सकते थे तब तो मैं कर लेता, लेकिन हमसे कहा गया था कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो हम तो आराम से करेंगे। ये वाला सर जी यार के नीचे कर देते हैं पानी भर जी। अलू ये तो बात हमने सोची नहीं। और ये इतना ज्यादा मजबूत है ना, ये देखो बुझा दिया इसने, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रही है तो, और कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको बहुत भारी गैस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो ये कह रहा कि ना जाओ ना जाओ, और जब ये पास में आता है तो कहता कि ना आओ, पास आने न दे दूर जाने न दे। ये दिन बढ़ जाता है, ऐसा माँ भी करती है, माँ भी करती है। छोटा बच्चा जो होता है जब वो काम कर रही होती है तो छोटा बच्चा नहीं आपने देखा होगा गोदी चढ़े तो खोपड़ी चढ़ जाओ ना, तो माँ कहती है दूर जाओ खेलो खेलो, और फिर काम, और जैसे वो दूर ज्यादा निकल जाता है तो वो फिर पकड़ लाती है, दिखो जा, दिखो जा, दिखो जा। पास आने न दे दूर जाने न दे, ये वाला वही, इसका नाम भी रखा था प्रोफेसर वर्मा ने, गो स्लो डियर मैग्नेट।
यानी जब चुंबक और किसी धातु यानी चालक, अच्छा चालक है ये एल्युमिनियम, उसके बीच में जब भी सापेक्ष गति होगी तो यहाँ पे एडी करंट्स बनते हैं, भंवर धाराएं बनती हैं। और एक और चीज देखिए, इस पर आप पकड़ लेती हैं, जैसे आपका भाई की बात नहीं हो गया, ठीक है, शो इज ओवर नाउ।